So this is the exercise 1B of class 11th NCERT. इससे पहले हम इस exercise की जो introduction part है वो last video में हमने कर लिया इसको. Let's take some problems related to exercise 1B. Before that, अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो please subscribe my channel and जो सुन साथ में bell icon है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. तो लेट्स टेक सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ex.1.b. पूछा गया है हमसे व्हिच इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. हमको पूछा गया है, हमने बताना है कि इन सब में कौन सा सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे हमको उनकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है. तो पहले तो हम इसको इसकी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बाद में हम देखेंगे कि जो वो टेबुलर फॉर्म है वो फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रही है या इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रही है. फर्स्ट प्रॉब्लम, ए इज अ सेट कंटेन एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर. एक्स क्या है? नेचुरल नंबर. लेकिन कितने नेचुरल नंबर वो हमको यहां से पता चल जाएगी. देर आर टू फैक्टर्स गिवन टू अस, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. अगर हम इन फैक्टर्स को जीरो के इज इक्वल टू रख दें सेपरेटली तो हमको एक्स की कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी. यहां से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3. सो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. तो हम यहां पे लिख देंगे 2 एंड 3 व्हिच आर नेचुरल. चेक कर लो जो कंडीशन दी गई थी हमको उसके अकॉर्डिंग से ही जो एलिमेंट्स हैं सेट में आए हैं. दैट्स आर 2 एंड 3 व्हिच आर नेचुरल नंबर्स. अब हम ये देखेंगे कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट. तो आपने डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में आपने देखी होगी कि फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं. तो दिस इज अ फाइनाइट सेट. ऐसे हम नेक्स्ट सेट को देखेंगे. बी इज अ सेट कंटेन एक्स वेयर x is a natural number and 2x is equal to 2x minus 1 is equal to 0. यहां से भी हम x की कितनी possible values हैं जो find कर सकते हैं. There is only one possible value of x which can be obtained from this. That is 1 by 2. Check कर लो. और ये भी कौन सा set है? Finite set. क्योंकि इसमें only one element है. This is a finite set. Last problem. C is a set containing x where x is a prime number. Only one condition है कि x क्या है? Prime number है. तो आप मुझे I hope कि आप पकड़ लेंगे इसको कि अगर prime number बोला गया है तो there are infinite numbers of prime number. So many prime numbers. ठीक है. तो set कौन सा बन जाएगा? 2, who is the first smallest prime number and even here जाए. उसके बाद 3, 5, 7, 11 and so on. तो ये कौन सा सेट है? This is the infinite set. Infinite set. In this way, we can differentiate between the finite and infinite set. So pause the video to note it down. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स हैं 1B में. विच आर एम्प्टी सेट. दीज आर सम गिवन सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. हमने बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं जो एम्प्टी सेट है. अगेन दीज आर द सेट बिल्डर फॉर्म्स. ओके, ए is a set contain x. x is a natural number. x क्या है? natural number.
और आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. x नेचुरल नंबर है और x कहां से कहां तक है, 5 से ग्रेटर 6 से लेस, मींस कि जो x की वैल्यू है 5 और 6 के बीच है. तो हम देखेंगे कि 5 और 6 के बीच क्या कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता. तो दिस इज अ एम्प्टी सेट 5. हमको बोला गया है कि x एलिमेंट वो हैं जो नेचुरल हैं, नेचुरल भी होने चाहिए और 5 और 6 के बीच होने चाहिए. इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, इट इज एम्प्टी सेट, ऐसा सेट नहीं बन सकता है. हम ऐसा सेट नहीं बना सकते जो सेट के एलिमेंट नेचुरल नंबर हों और वो नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच में हो, दैट इज इम्पॉसिबल. सो इट इज अ एम्प्टी सेट. बी, एक्स is a set containing b such that x square is equal to 3 and x is a rational. x क्या होना चाहिए, rational number होना चाहिए. अगर मैं यहाँ से x की value find करूँ तो कितना आएगी, x is equal to square हटाएंगे यहाँ से, square root हो जाएगा तो बन जाएगा plus minus under root 3. क्या under root 3 rational है, no, it is irrational. ये क्या है, irrational. जब हमें बोला क्या क्या है कि नंबर क्या होना चाहिए, रैशनल, तो दिस इज आल्सो इम्पॉसिबल. यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वो इरेशनल है. बट हमको क्या बोला गया है कि एक्स क्या होना चाहिए, रैशनल. तो ऐसा कोई भी सेट पॉसिबल नहीं है, दिस इज अगेन अ एम्प्टी सेट. थर्ड प्रॉब्लम, सी इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5. क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है, कैसा सेट, जिसमें इवन नेचुरल नंबर्स हों और वो 5 से डिवाइड होते हों. तो यस, दिस इज पॉसिबल. कैसे, जैसे कि 10 इवन है और नेचुरल भी है और 5 से डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है. उसके बाद 20, ठीक, 30 एंड सो ऑन. दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, इसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो हमको कंडीशन बोली गई थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग द सेट इज पॉसिबल, ये सेट पॉसिबल है. सो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट. ये कौन सा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है. एम्प्टी सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ऐसे बहुत से इवन नेचुरल नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. So this is our last topic in exercise 1B, in which we have asked that are the given sets equal? क्या जो ये pair of sets हैं, क्या ये equal sets हैं या नहीं. सबसे पहले first problem, A is a set containing 3 elements A, E, O, B is a set also containing 3 elements I, U, A. क्या ये equal set है, तो हम फिर वही recap करेंगे, revise करेंगे. इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जिनमें ऑर्डर ऑफ सेट भी इक्वल हो और एलिमेंट्स भी सेम हो. यहाँ पे देखिए ऑर्डर तो सेम है, इक्वल है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है. आई बी सेट में आई है लेकिन ए में नहीं है. सो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स. अगर ये इक्वल सेट नहीं है तो ये कौन से सेट है, दीज आर इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल. सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट, नॉट इक्वल. हम इनको ऐसे, लेट्स टेक सेकंड प्रॉब्लम. सी इज अ सेट कंटेन एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 4, लेस देन 4. और यहां मैं ये लिख दूंगा कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एक्स नेचुरल नंबर है और 4 से लेस देन है. तो कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो नेचुरल भी हों और 4 से छोटे हों, दीज आर द नंबर. अब चेक कर लो क्या ये इक्वल सेट है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता. अगर यहाँ पे 3 आगे आ रहा है, यहाँ पे 3 पीछे है, इट डज नॉट मैटर. आपने ये देखना है कि एलिमेंट्स क्या सेम है. तो यस, 3 यहाँ है, यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ पर भी है, 2
नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इक्वल है, तो दीज आर इक्वल सेट, तो हम लिखेंगे सी इज द इक्वल सेट ऑफ डी. सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक इन एक्सरसाइज 1B. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल.